गुजरात की राजधानी गांधीनगर डिफेंस एक्सपो के लिए पूरी तरह से तैयार है। 18 से 22 अक्टूबर तक होने वाले इस बार के डिफेंस एक्सपो का 19 अक्टूबर को पीएम मोदी औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में 125 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। डिफेंस एक्सपो एक बार फिर से वापस आ गया है। पिछली बार साल 2020 में हुए लखनऊ डिफेंस एक्सपो के बाद अब इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर तक होने वाले इस बार के डिफेंस एक्सपो पिछली बार की तुलना में अधिक बड़ा होने जा रहा है। 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस एक्सपो का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में 125 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। संभावना है कि एक्सपो में 400 से अधिक कंपनियां निवेश के लिए यहां पर MOU पर साइन कर सकती हैं। जो भारत कभी आज के कुछ वर्षों पहले दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, आज वो हमारा भारत दुनिया की टॉप 25 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी क्यू में आकर खड़ा हो गया है हमारा भारत। इस एक्सपो की थीम यानी पाथ टू प्राइड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है। इस बार एक्सपो में 1320 से अधिक रक्षा कंपनियां शिरकत कर रही हैं। एक्सपो करीब 1,00,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगाया गया है। गुजरात के लिए यह डिफेंस एक्सपो बेहद ही खास होने जा रहा है। गुजरात की कंपनियां 33 MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना कर रही हैं। इससे गुजरात में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। भारत के डिफेंस सेक्टर ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे समर्पण के साथ पाथ टू प्राइड की तरफ कदम अपने आगे बढ़ाए हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गांधीनगर में आयोजित इस डिफेंस एक्सपो की कई विशेषताएं होंगी। इस एक्सपो में HAL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ट्रेनर विमान का पहली बार प्रदर्शन होगा। इसके अलावा स्टार्टअप और उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी मदद की जाएगी। पहली बार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में पवेलियन स्थापित करेंगे। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान पहले 3 दिन व्यापार के लिए एक्सपो होगा, जबकि 21 और 22 अक्टूबर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। अब तक के सबसे बड़े इस भारतीय डिफेंस एक्सपो में जहां आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर है, तो कोशिश इस बात की भी है कि कैसे भारतीय रक्षा क्षेत्र के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं ये मौका है कि जब हिंद महासागर क्षेत्र और अफ्रीकन साझेदारों के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करना और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान कर नए संबंधों को स्थापित करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि भारत के सामने डिफेंस एक्सपो 2022 एक मौका होगा जहां भारत पूरी दुनिया को ये बताना चाहेगा कि कैसे भारतीय रक्षा उत्पादन अपना विस्तार कई क्षेत्रों की ओर कर रहा है। डिफेंस एक्सपो 2022 जिसकी थीम ही है पाथ टू प्राइड, यानी हम प्रतिबद्ध हैं अपनी उस लक्ष्य को लेकर जो आत्मनिर्भरता की बात कहती है। और इस बार के डिफेंस एक्सपो में करीब 1300 कंपनियां भागीदारी निभा रही हैं, जिनकी पिछली बार संख्या करीब 1000 की थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो 2022 एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर कुमार के साथ ओम प्रकाश दास, DD News के लिए गांधीनगर से।